हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मिस्टीरियस वर्ल्ड फैमिली के सभी सदस्यों को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने की हार्दिक बधाई। आप सभी के सपोर्ट और प्यार के बिना हमारे चैनल का इस मुकाम तक पहुंचना नामुमकिन था। हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम होगा। आप सभी की ओर अपना आभार प्रकट करने के लिए हमने अपने चैनल पर एक और गिव अवे करने का सोचा है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1970-80 का दशक, जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था, प्रगति की राह पर था, और वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज का जो है या नहीं ये कहना मुश्किल है। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में तो बेहद सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बेहद खौफनाक हुआ करती थी। डर एक आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों के जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था। कुचिसाके ओना। जापानी किस्से कहानियों का एक ऐसा अर्बन लेजेंड जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुचिसाके ओना के बारे में। जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाके ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका होता है और वो बच्चों के पास आकर उनसे पूछती है कि क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ। सुनने में ये सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद सबसे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस सवाल का कोई भी सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाके कैंची से उस पर वार कर देती थी और उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में दिया तो वह अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना बेहद डरावना और जख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था, मानो किसी ने उसके चेहरे को पूरी तरह चीर दिया हो, और फिर से वो अपना सवाल दोहराती थी कि क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ। कुचिसाके का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवालों का जवाब ना में देता तो भी वो उसे मार देती, और अगर जवाब हाँ होता तो भी कुचिसाके अपनी कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर भी ठीक अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था, और कुचिसाके के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहां के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने ये दावा तक किया कि उन्होंने कुचिसाके ओना नाम की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूली छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सकें। लेकिन फिर भी कुचिसाके ओना ने अनेकों लोगों को अपना शिकार बनाया, पर वो ऐसा क्यों करती थी? ये कहानी शुरू होती है जापान के हीयान पीरियड के दौरान, लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वह अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराय था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, और जब वो युद्ध से अपने घर वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। यह देखकर वो समुराय बेहद क्रोधित हो उठा और अपनी तलवार के एक ही वार से अपनी बीवी को पूरी तरह घायल कर दिया। इस तलवार के घात से उस औरत का मुंह पूरी तरह फट गया। अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा? इतना कहकर वो समुराय हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराय की तलवार के घात ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया था। जब उस औरत ने अपने चेहरे का ये हाल देखा, तब उसे ये महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वो चेहरा अब बेहद डरावना दिखाई देता है। तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वो खूबसूरत औरत मर गई और सबको लगा ये कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वो फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य, जिसे कहते हैं कुचिसाके ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाके ओना आज भी जापान की सुनसान गलियों में घूम रही है
अपने अगले शिकार की तलाश में। तो अब बात आज के गिव अवे की। हमारे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने के उपलक्ष में हम इस बार आप में से किसी एक सब्सक्राइबर को देंगे iPhone 10। गिव अवे में भाग लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही फेसबुक पर इसे शेयर भी करें। इसके बदले में आप में से किसी एक भाग्यशाली विनर को मिलेगा एक iPhone 10। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।